नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक कानून की वजह से यूपी के मुरादाबाद में 26 साल पुराने एक रिश्ता टूटने से बच गया। दरअसल नाराज शोहर ने गुस्से में कागज पर अपनी पत्नी को 3 तलाक लिखकर दे दिया था, जिसके बाद मामला नारी उत्थान केंद्र पहुंचा, जहां पुलिस व काउंसलर के सामने ही पत्नी ने कागज को फाड़ दिया और कहा अब ये नहीं चलेगा। इसके बाद काउंसलर ने जब दोनों को समझाया और कानून के बारे में बताया तो बाद में शोहर भी मान गया और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपने घर लौट गए। काउंसलर रितु नारंग ने बताया कि रामपुर निवासी महिला का निकाह 26 साल पहले कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से हुआ था। शोहर ने पत्नी के बिना कहे मायके जाने से नाराज होकर महिला को शादी के 26 साल बाद लिखित में तलाक दे दिया था। एक तलाक से पीड़ित महिला इसकी शिकायत SSP मुरादाबाद से की। तब SSP ने नियम अनुसार इस मामले को नारी उत्थान केंद्र में काउंसलिंग के लिए भेज दिया था। जब दोनों पति पत्नी नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर के सामने पहुंचे तो काउंसलर रितु नारंग ने पहले तो यह समझा कि शायद यह पति पत्नी के माता पिता हैं। तब उन्होंने दोनों पति पत्नी से कहा कि आप लोग अपने बेटे बहू को अंदर भेजिए। लेकिन जब पति पत्नी ने उन्हें बताया कि वो अपने ही विवाद के संबंध में आए हैं तो वह हैरान हो गई और उन्होंने उनसे तलाक देने का कारण पूछा तो शोहर ने बताया कि उसकी पत्नी आए दिन अपने मायके उसको बिना बताए चली जाती है, जिससे गुस्से में आकर उसने तलाक दिया है। तब काउंसलर रितु नारंग ने उन्हें समझाया कि इस उम्र में आपका यह कदम अच्छा नहीं है और अब सरकार ने तलाक देने पर 3 साल की सजा देने का कानून भी बना दिया है। ये जानकारी मिलने पर महिला ने अपने शोहर से तलाकनामा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और दोनों ही पति पत्नी हंसी खुशी अपने घर चले गए। कल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग या कह लीजिए बहुत आश्चर्य वाली बात हुई कि जब एक गांव के 2 बुज़ुर्ग आते हैं और हम लोग कहते हैं अपने बेटा बेटी को भेजिए अंदर, माँ बाप नहीं आ सकते, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ही दूल्हा दुल्हन हैं, हम ही यहाँ पर तलाक के लिए आए हैं। तो जब उनको बिठाया गया, उनसे बातचीत करी गई तो मालूम चला एक छोटी सी बात को लेकर पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हम थक गए हैं। अब पूछा गया कितने साल शादी को हो गए, तो 26 साल उनकी शादी को पूरे हो चुके थे और 27वां लगा हुआ था उनकी शादी को। और उसके बाद जब उन्होंने कागज़ दिखाया तो उस कागज़ में बायकदा एक फ़ोटो चिपकी हुई थी अपने हस्बैंड की और पूरा अच्छा खासा लेटर था और पूरा लिखा था लास्ट में लाइन कि ये पहला तलाक मैंने इसे दिया है। तो जब ये बात पूछी गई कारण क्या है, आखिर इतने साल बाद ना यहाँ बैठना शोभा देता है ना ये बात कहने में शोभा देती है आपकी उम्र को, तो फिर मालूम चला कि बस बात इतनी सी थी कि पत्नी जो थी बिना बताए अपने मायके चली गई थी। जब वो बिना बताए मायके चली गई, लेकिन आ वापस अपने आप गई थी, उसने ऐसा कोई बॉन्डेशन नहीं डाली थी कि वो उससे पूछ के आए या उसे लेने वो जाए हस्बैंड, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने आप ही वापस आई थी। तो जब इसको बात समझाई गई कि जब वो झगड़ा तो नहीं करा ना उसे तुमसे, ना ही उसने तुमको कुछ गलत बोला, ना ही वो सिर्फ अपने मायके गई है, मिल के वो वापस भी आ गई। हाँ, यही लगा था, हमने ये बोला भी था उनको कि आप अपने बच्चों को भेजिए क्योंकि हमारे वहाँ पर हम पति पत्नी से जो बच्चे होते हैं उनसे बात करते हैं, ना हम वहाँ पर बड़े आते हैं ना वहाँ पर लॉयर्स आ सकते हैं अंदर। तो उन्होंने कहा मैं ही दूल्हा हूँ, मैं दुल्हन हूँ और हम दोनों आए हैं, हमारा डाइवोर्स का मामला है, ये बात उन्होंने कही। हाँ, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि इस उम्र में भी गुस्सा लोगों के अंदर इतना ज़्यादा है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब वो वापस वहीं पर ही वो मुस्कुरा पड़ते बहुत अच्छी तरह से, और जब उसकी पत्नी ने उनका फाड़ा था कागज, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने छोटी सी एक वीडियो भी उसकी बनाई क्योंकि उतना प्रेम उनके अंदर था लेकिन गुस्से की वजह से। और जब वो आपस में प्यार से एक दूसरे साथ देख रहे थे और एक दूसरे को हाथ भी पकड़ा उन्होंने अपना, तो बहुत ही सुकून मिलता है जब वो एक दो घर टूट रहे होते हैं, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है बच्चों पर पड़ता है। और इस उम्र में अगर ये काम करेंगे तो हम बड़े शिक्षा क्या देंगे बच्चों को, फिर हम बच्चों को कैसे कह सकेंगे अपना घर और परिवार बनाइए। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बड़े अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएं। और जब वो वहाँ पर खुशी खुशी दोनों ने अपना हाथ पकड़ा, वो वाकई में बड़ा एक कहते ना टचिंग मोमेंट था, बहुत ही खूबसूरत लम्हा था और जो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।